हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार धाकड़ स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पहले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सरफेस से फिर से इसको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपन मेन टॉपिक पर जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ क्या होती है। तो इसका जो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि वृद्धि जीवों का वह मुख्य लक्षण है। पौधों में वृद्धि से उनके विभिन्न अंगों में स्थायी रूप से आकार एवं शुष्क भार ड्राई वेट में बढ़ोतरी होती है। वो बोला है शेप एंड साइज, उसका जो ड्राई वेट होता है उसमें उसकी वृद्धि होती है। किसमें? उसका शेप एंड ड्राई वेट, शेप एंड ड्राई वेट में इसकी वृद्धि होती है। प्लीज ध्यान दें, ड्राई वेट, ड्राई वेट मतलब सूखने के बाद जो जो बचता है और जिसको जो वजन होता है वो, उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। किंतु कुछ प्रजातियों में वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था शुष्क भार घटता है, जैसे कि आलुओं के अंकुरण के समय। तो दोस्तों, जो स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो इज द एक्सेप्शन, तो इसको याद रखें। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राई वेट कम किस में होता है। तो आलू में जो स्प्रोटिंग के समय का ड्राई वेट कम होता है, इसलिए नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पादप वृद्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वृद्धि एक गतिशील जीवन संबंधी प्रक्रिया है, डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है। देखो दोस्तों, यह डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है। प्लीज रिमेम्बर, ये डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी पौधे या पौधे के अंग में स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें टेम्परेरी नहीं, स्थायी परमानेंट इसमें परिवर्तन होता है। कैसा होता है दोस्तों? परमानेंट परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये जो लिखा है, परमानेंट परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन आकार, स्वरूप, भार, आयतन में होता है। मीन्स उसका शेप, साइज, वॉल्यूम एंड वेट में होता है। किसमें? शेप, साइज एंड वॉल्यूम में। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस इन साइज। दोस्तों, ये शब्द अपन पहले बहुत इस पर जोर दिए थे। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल चेंज इन साइज और वॉल्यूम फॉर अ लिविंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, लिविंग स्ट्रक्चर मीन्स जो प्लांट होता है, जो सेल होती है, उसमें ये परमानेंट होता है और इनरिवर्सिबल चेंज होता है। इनरिवर्सिबल मीन्स ये बाद में एक बार अगर जो बढ़ गया वो वापस घट नहीं सकता, प्लांट में ओनली। चेंज इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर विद अ एक्विपोटेंशियल इंक्रीज बाय ड्राई वेट, और इसके साथ क्या, ड्राई वेट भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये हो गया अपना। अब अपन इसमें ग्रोथ को थोड़ी क्लासिफाई करते हैं। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कैसी होती है दोस्तों? एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, दोस्तों जो प्लांट का ऊपर वाला भाग होता है, जो प्लांट का एकदम पत्ती का जो नोक होती है, जिसको अपेक्स बोलते हैं, जो एपिकल मेरिस्टम होता है, वो है इसकी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि उसमें जो सेल्स होती हैं, जो जो बहुत कंटिन्यूस और बहुत तीव्र गति से डिवाइड होती रहती हैं, और जो जो सेल्स जो होती हैं वो किसमें ग्रोथ करती हैं? लेंथ में बढ़ती हैं और शेप साइज में भी बढ़ती हैं। ये भी दो तरह का होता है, प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल और दूसरा टेम्परेरी एपिकल। तो दोस्तों, इसमें मेरिस्टम काल होता है, इंक्री इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है? जो एपिकल के थोड़ा सा नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये इसके प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या, लेटरल मेरिस्टम फॉर द थिकनेस। आपने देखा होगा जो कॉर्टेक्स वगैरह अपन जो पढ़ते थे, जो होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, कैम्बियम वगैरह, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हो गया, अब ग्रोथ के में क्या होगा? डेवलपमेंट, पादप विकास वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की विभिन्न अवस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। स्टेज में दोस्तों, किसमें होते हैं? इसमें स्टेज में होते हैं, विभिन्न अवस्था में। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। आपको जब मैं बताया था, डिफरेंशिएशन होने लगता है। मीन्स जो जो प्लांट में ग्रोथ होती है, उसके बाद डेवलपमेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सेल्स होती है वो अलग अलग कार्य करने लगती है। जैसे कुछ सिंथेसिस काम करेगी, कुछ स्टोरेसिस का काम करेगी, कुछ न्यूक्लियोफिलिक
न्यू टिश्यू बनाई गई, कुछ जैसे कि कुछ नई ब्रांच बन जाएंगे, कुछ रूट्स वूट जैसे सब अलग अलग ग्रोथ करने लगते हैं। ऑर्गन्स बनेंगे इसमें, ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों जैसे आपको डेवलपमेंट अपन पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक इम्पोर्टेंट इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन से अक्सर परीक्षाओं पूछे जाते हैं। तो आप देखिए ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ में क्या है कि वृद्धि से पौधों का आकार तथा शुष्क भार बढ़ता है, मीन्स इसमें क्या होता है, शेप एंड ड्राई वेट बढ़ता है। किसमें, ग्रोथ में, आपको बताया शेप एंड ड्राई वेट बढ़ता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मीन्स क्वालिटी क्वालिटेटिव जिसमें डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे आपको बताया कि इसमें ऑर्गन्स बन जाएंगे, सब नए नए फंक्शंस में होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉप पॉइंट है उसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें हीट स्टेज होती है। वृद्धि की जो तीन अवस्था हैं उसमें सेल डिवीजन है, कोशिका की लंबाई बढ़ना है, कोशिका भिन्नन या परिपक्वता मीन्स सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। सेल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि सेल अलग अलग फंक्शन को करने लग जाती है और वो बाद में मैच्योर हो जाती है। तो दोस्तों पहले सेल का डिवीजन होगा, उसका फिर एलोंगेशन होगा, जो हम आपको पहले सारा हॉर्मोन्स में सब पढ़ा चुके हैं, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन होगा। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि वृद्धि की तीन अवस्थाएं हैं, तो उसमें क्या होगा, पहले हीट स्टेज है, लाइट स्टेज है एंड ब्रीडिंग स्टेज है। इसको हम अपने नीचे पूरा एक कंप्लीट ग्राफ के थ्रू अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, होता है जैसे कभी कभी कोशिका विभाजन के तुरंत बाद परिपक्वता अवस्था भी आ जाती है। लेकिन आप देखियो ये जो डेवलपमेंट होता है ये स्टेज में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हीट स्टेज के बाद ब्रीडिंग ब्रीडिंग स्टेज आ जाए। तो ये ग्रोथ यही है, ये सबसे ग्रोथ हमेशा प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का संबंध जीवधारी के आकार, भार, जीव द्रव्य, आयतन एवं अव्यक्त क्रमणीय स्थायी वृद्धि, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, मीन्स ये इरिवर्सिबल होता है। दोस्तों याद रखिए वृद्धि इरिवर्सिबल होती है, बट ग्रोथ जो होता है रिवर्सिबल भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि होती ही होगी, ये रिवर्सिबल हो सकती है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोविंग पॉइंट्स, एपिकल मेरिस्टम इन ग्रोथ। तो दोस्तों जो एपिकल मेरिस्टम जो होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। साधारणतः तो पौधों में वृद्धि और वृद्धि बिंदुओं जैसे प्ररोह एवं जड़ के शीर्षस्थ तक ही सीमित रहती है। दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें हिंदी है, तो जो उसमें क्या बोल रहा है, जो एसेंट एंड शिफ्ट और जो जो होते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है जो पौधों में जो वृद्धि बिंदु होते हैं, वृद्धि बिंदु कहाँ होते हैं, या तो रूट अपेक्स में होगा या शूट अपेक्स में होगा। इनमें क्या होते हैं कि इनमें जो सेल्स होती हैं एपिकल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, ओरिजिनल और प्राइमरी ग्रोथ, ये हमेशा बहुत तेज गति से वृद्धि करती हैं। बट इनका एक कारण है, ये कैसे वृद्धि करते हैं, या तो ये लंबाई में वृद्धि करेंगे और सेल डिवीजन में वृद्धि करेंगे। तो सेल डिवीजन और लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो दोस्तों इन प्राइमरी कोशिकाओं की जो गतिविधि के कारण पौधों में वृद्धि होती है, इस प्रकार की वृद्धि क्या है, प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। आपको मालूम है कि जो ऊपर हो रही है एपिकल में हो रही है, जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेल एलोंगेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। इसमें क्या है, पौधों के ऊतकों का बनना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, पौधों की लंबाई बढ़ना मीन्स सेल एलोंगेशन आएगा, और अपेंडिजेस मीन्स इसमें नए नए अनुबंधों का जो बनना शामिल रहता है। कुछ विशेष पौधों जैसे बांस, घास, पुदीना के पर्वों इंटरनोड्स, पर मीन्स अंडरनोड में अंतर्वेशी परिभाजी एंडोकैनल मेरिस्टम पाए जाते हैं, जो कि वास्तव में शीर्षस्थ परिभाजी के ही भाग होते हैं। जो एंडोकैनल मेरिस्टम होता है वो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम का ही भाग होता है। किसका, एपिकल मेरिस्टम का ही भाग होता है। तो
तो दोस्तों आपको हम यह बता रहे हैं, ये जो एक है ये है एपिकल मेरिस्टम और लीफ प्राइमोर्डियम होता है एपिडर्मिस। तो जोन ऑफ सेल डिवीजन जो ऊपर का भाग है मेरिस्टम का, जो जोन ऑफ सेल एलोंगेशन ये सेकेंडरी भाग है जहाँ पे सेल लंबाई में ग्रोथ करेगी। पहला जोन कौन सा है? डिवीजन नंबर, जहाँ पे सेल डिवीजन होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे सेल डिवीजन होगा। देन सेकेंड भाग सेल एलोंगेशन, एलोंगेशन केस है, इसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो लंबाई में खिंचेगी, मीन्स सेल एलोंगेशन होगा। और इसमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मीन्स यहाँ पे ऊतक अपना अपना अलग अलग कार्य करने लग जाएंगे और परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, मीन्स इसमें स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमेटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। इसको वेस्कुलर बडिंग भी बोलते हैं, इसमें वेस्कुलर और इस पानी के जो ऊतक वगैरह बन जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग था इसका, जो आपको बताया कि वृद्धि की इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद एक जो थर्ड प्रकार का जो वृद्धि होता है, इसमें क्या होता है, तीसरे का सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम्स जो होते हैं, जो आप बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे, वेस्कुलर जो कैम्बियम्स होते हैं वो मोटाई में ग्रोथ करता है प्लांट के, इसमें मोटाई में थिकनेस बढ़ेगी, प्लांट्स मोटे होते जाएंगे, यहाँ पर लंबाई में ग्रोथ नहीं होती है। इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इनकी गतिविधि के कारण पौधे मोटाई में बढ़ना बढ़ते हैं। इस प्रकार की वृद्धि द्वितीय वृद्धि कहलाते हैं, सेकेंड ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं अनेक प्रकार के ऊतकों टिश्यू का निर्माण करते हैं तथा तो पौधों का अंग बन जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक था। अब हम चलते हैं वृद्धि की अवस्थाएं, फेज ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व। जैसा कि दोस्तों अभी आपको हमें पूरा बता दें हैं कि सेल डिवीजन होता है, ये जो पूरा आपको डायग्राम्स का दिखाए थे, पहले पार्ट में सेल डिवीजन होगा, दूसरे में सेल इलोंगेशन होगा, तीसरे में सेल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, जो अन्य अन्य काम लेंगे और फिर परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। तो दोस्तों जैसा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, सेल डिवीजन यह वृद्धि की प्रथम अवस्था है, ठीक है, तो है सबको मालूम है। इस अवस्था में फिर विभाज्य कोशिकाएं मेरिस्टम सेल्स विभक्त होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है। विभाजन की प्रक्रिया जड़ या प्रवाह की अवस्था एपिकल मेरिस्टम चलती है, आपको बताया था, से रूट के एपिकल में और सूट के एपिकल में चलती है। जड़ एवं प्रवाह की प्रवाहित कोशिकाओं में शीर्ष में ही सीमित होती है। नई निर्मित पुत्री कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली एवं जीव द्रव्य सघन होता है। दोस्तों एक भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यू सेल्स होगी उसकी जो सेल वाल जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत पतली होती है। कैसी होती है? पतली, और जिसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको सेल प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो डेंस होता है। तो जो दूसरा है सेल एलोंगेशन, दोस्तों हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इस अवस्था में जो है सेल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ट्रिगर प्रेशर के कारण बहुत लंबाई में बढ़ती है, और ये द्वितीय अवस्था है। सेल डिफरेंशिएशन में हम आपको बता सकते हैं, इसमें क्या है, कोशिका जितनी मोटी होती है एवं पौधों की कोशिका की स्थिति के अनुसार इसमें धीरे धीरे रचनात्मक स्ट्रक्चरल तथा फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको बताया कि हर एक सेल अपना अलग अलग काम करने लगती है, तो जो सेल की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, उसका फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। कोशिका पृष्ठ और परिपक्व ऊतकों का निर्माण करती हैं, उदाहरण पतली भित्ति एपिडर्मिस कोशिकाओं का निर्माण। दोस्तों जो पतली भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो एपिडर्मिस का विभाजन करती हैं, कुछ गार्ड सेल्स बन जाते हैं, ट्राइकोम्स बन जाते हैं, ग्रंथियां ग्लैंड्स बन जाती हैं। तो ये हमारा था दोस्तों, कोशिका विभाजन से कोशिका विभेदन की अवस्था तक का अंतरण काल बृहद वृद्धि काल, ग्रैंड ग्रोथ पीरियड कहलाता है। सेल डिवीजन से लेकर सेल डिफरेंशिएशन का जो बीच गैप होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रैंड ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन से लेकर सेल डिफरेंशिएशन तक का जो भाग होता है उसे ग्रैंड ग्रोथ ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं।
दोस्तों ये ग्रोथ कर्व ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ कर्व दोस्तों इसको पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ कर्व हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको उसकी फिजियोलॉजी का और उसकी स्ट्रक्चर का पता चलेगा। दोस्तों जो ग्रोथ कर्व होता है, ये ग्रोथ कर्व होता है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, कितनी स्पीड में सेल किस किस भाग में डिवाइड हो रही हैं। दूसरा इससे एक पता चलता है कि एक पौधे को ग्रोथ करने में कितना समय लगता है। मोस्टली जो पौधों का जो ग्रोथ कर्व होता है वो एस शेप होता है। कैसा एस शेप? इसको सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। कैसा? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें भी तीन फेज होती हैं। पहली फेज होती है लेग फेज होती है, दूसरा लॉग फेज, थर्ड फेज क्या होते हैं? डिमिनिशिंग फेज। कौन सा होता है थर्ड वाली? डिमिनिशिंग फेज, धीमी अवस्था। और फोर्थ वन होते स्टेशनरी और स्टडी फेज। दोस्तों इसमें जो क्या होता है आपको बताएं हम, प्रारंभिक धीमा वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, लेग फेज जो होती है इसमें सेल क्या धीरे धीरे जो सेल डिवीजन शुरू होता है, क्या सेल डिवीजन शुरू होता है। और इसमें क्या होता है, जो सेल्स जो होती हैं फर्स्ट स्टेज में अपने आप को तैयार करती हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए। और दोस्तों लॉग फेज में क्या होती है कि जो ग्रोथ की स्पीड है ना वो तीव्र हो जाती है। देखिए आप ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखा रहा करूँ, इसमें ग्रोथ की जो स्पीड है वो तीव्र हो जाती है। सेल मोस्ट ऑफ एलोंगेशन, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन दोनों ही बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें क्या है, प्लांट्स लंबाई में ग्रोथ करता है। और जो डिमिनिशिंग फेज है इसमें फिर से जो है सेल फॉर्मेशन का काम करती है, इस कारण से ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसमें फॉर्मेशन होता है और जिसमें नए नए जो सेलुलोज है चाहे स्टार्च है जो भी केमिकल है फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ग्रोथ एक स्टडी हो जाती है, इसमें ग्रोथ रुक जाती है। और इसके बाद एक स्टेशनरी सेनेसेंस फेज भी इसको बोलते हैं, स्टेशनरी फेज को, जिसमें प्लांट की जो पत्तियां वगैरह जो मर जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ग्रोथ कर्व था दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है डिटर्मिनेटिंग ग्रोथ और एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। कितना होते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेट ग्रोथ और एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है कि सेल एक कांस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती है। कांस्टेंट मींस वो एक एक निश्चित ग्रोथ हाइट तक ही ग्रोथ करेगी, उसके बाद उसमें वो अपने आप वो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन इनडिटर्मिनेट कैसा होता है, जिसमें जो सेल हैं जो कंटिन्यूस ग्रोथ करती रहती हैं और लंबे बढ़ते चढ़ा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, टमाटर होता है अपना इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट तरह के जो टमाटर होते हैं। इसमें एक सेमी डिटर्मिनेट भी होता है जो एक ड्वार्फ और एक सेमी ड्वार्फ और एक बहुत जो लंबाई में बढ़ता है। तो जो डिटर्मिनेट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं जिनको हम जमीन पे ही छोड़ देते हैं जो बिछड़ते हैं टमाटर। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट होता है जो पॉली हाउस में लगाया जाता है, जो हिली एरिया में लगाया जाता है, वो बहुत लंबाई तक बढ़ता है। तो ये आप समझ गए होंगे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट क्या होती है। तो दोस्तों अभी के लिए ये इतना बहुत है, आप इसको पढ़िए और आगे का आप बता दीजिए आपको कौन सा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको उसको भी कंप्लीट करा देंगे। और इसमें भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, हम आपको 100% उसका क्लियर कर देंगे।